बर्फ से ढके पहाड़ और प्राकृतिक दृश्य देखने के लिए हम यूरोप में जाके काफी ज्यादा पैसे खर्च करते हैं, जबकि उससे भी कहीं गुना सुंदर जन्नत जैसे जगह हमारा अपना देश भारत पे ही मौजूद है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसे ही जगह नॉर्थ सिक्किम के बारे में, जो जन्नत से बिल्कुल भी कम नहीं है। हम सभी को एक बार तो नॉर्थ सिक्किम का टूर करना ही चाहिए। आइए जानते हैं इसके बारे में। नॉर्थ सिक्किम जाने से पहले आप सभी को रहने के लिए होटल और घूमने के लिए गाड़ी सब कुछ पहले से ही बंदोबस्त करना होगा, और वहां जाने के लिए आपको परमिट की भी जरूरत होगा, जिसके लिए आपके पास आपका वोटर आईडी या तो फिर पासपोर्ट होना अनिवार्य है। परमिट के लिए आधार कार्ड मान्य नहीं है। नॉर्थ सिक्किम घूमने के लिए दो अलग अलग प्लान है, पहला 1 रात 2 दिन का और दूसरा 2 रात 3 दिन का। आइए इसके बारे में हम बारीकी से बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे 1 रात 2 दिन के प्लान के बारे में, यानी कि 1 night 2 days का। अगर आपके पास समय कम है और आप नॉर्थ सिक्किम जाना बेकरार है, तो आपको हम ये खुश खबर देना चाहते हैं, सिर्फ 3 दिन में आप ये टूर कर सकते हैं। पहला दिन आपको बागडोकरा या तो फिर NGP रेलवे स्टेशन पर उतरना होगा, उसके बाद वहां से सीधा गैंगटॉक के लिए रवाना करना होगा। गैंगटॉक एक छोटा सा शहर है जो सिक्किम राज्य का आधिकारिक राजधानी भी है। उसी दिन 1 रात गैंगटॉक पे ठहरना होगा और सुबह जल्दी नॉर्थ सिक्किम के लिए निकलना होगा। दूसरे दिन गैंगटॉक से 88 किलोमीटर लगभग 3 से 4 घंटे यात्रा करने के बाद आपको ले जाया जाएगा चुंगथांग, जिसका अल्टीट्यूड है 1790 मीटर। रास्ते में कहीं मंगन जीरो पर आपके लिए लंच का बंदोबस्त किया जाएगा। चुंगथांग पे आपको हाइड्रो इलेक्ट्रिकल डैम भी दिखाया जाएगा। चुंगथांग ही वो जगह है जहां से लाचेन और लाचुंग के लिए रास्ता अलग होता है। अब ये आपको डिसाइड करना होगा कि आप 1 रात 2 दिन के नॉर्थ सिक्किम टूर पे लाचेन जाना पसंद करेंगे या तो फिर लाचुंग। पहले बात करते हैं लाचेन के बारे में। लाचेन नॉर्थ सिक्किम में अवस्थित एक छोटा सा सुंदर जगह है, जहां काफी ज्यादा पर्यटक घूमने के लिए जाते हैं। चुंगथांग से 26 किलोमीटर लगभग 1 घंटे यात्रा करने के बाद आपको सीधा लाचेन ले जाया जाएगा और 1 रात वहीं रुकना होगा। लाचेन का अल्टीट्यूड है लगभग 2600 मीटर। अगले दिन सुबह लाचेन से 67 किलोमीटर लगभग 2 से 3 घंटे यात्रा के बाद आपको ले जाया जाएगा गुरुदोंगबर लेक पर, जिसका अल्टीट्यूड है 5154 मीटर। गुरुदोंगबर लेक विश्व भर में सबसे उच्च में अवस्थित झीलों में से ये एक है। ये झील बहुत ही खूबसूरत है और ठंडे मौसम में इस झील का पानी बर्फ में जम जाता है। इस झील पर अगर आप सुबह 11 बजे के बाद पहुंच गए तो तेज और ठंडी हवा के कारण आप सांस नहीं ले पाएंगे। आप सबको वहां पर 11 बजे से पहले पहुंचना होगा, तभी आप अच्छे से घूम पाएंगे। रास्ते में आप टोपटा वैली भी देख पाएंगे और आपको अगर बर्फ से खेलना है तो काला पत्थर भी जा सकते हैं। इसके लिए आपको अलग से ही पैसे ड्राइवर को देना पड़ेगा और फिर लाचेन पे लंच के बाद आपको सीधा गैंगटॉक वापस आना होगा। गैंगटॉक पे 1 रात फिर रुकने के बाद आपको NGP या एयरपोर्ट छोड़ दिया जाएगा। अब बात करते हैं लाचुंग के बारे में। अगर आप 1 रात 2 दिन के नॉर्थ सिक्किम टूर पर लाचेन और गुरुदोंगबर लेक को छोड़कर लाचुंग और जीरो पॉइंट करना चाहते हैं, तो ये प्लान भी बहुत मजेदार रहेगा। पहले दिन ड्राइवर आपको NGP एयरपोर्ट से पिकअप करके गैंगटॉक पे ले जाएगा। 1 रात गैंगटॉक पे गुजरने के बाद अगले दिन सुबह गैंगटॉक से चुंगथांग पर ले जाया जाएगा। रास्ते में यानी कि मंगन पर आपके लिए लंच बंदोबस्त होगा। फिर चुंगथांग से 21 किलोमीटर लगभग 1 घंटे यात्रा के बाद पहुंच जाएंगे लाचुंग, जिसका अल्टीट्यूड है 2700 मीटर। लाचुंग पर 1 रात रहने के बाद अगले दिन सुबह यमथंग वैली के लिए निकलना होगा, जिसके लिए दरवाजा खुलता है सुबह 7 बजे से। यमथंग वैली एक बहुत ही सुंदर वैली है, जहां पर आपको सिर्फ बर्फ से ढके पहाड़ दिखाई देगा।
यांगथंग वैली का अल्टीट्यूड है 3,700 मीटर, लाचुंग से लगभग 26 किलोमीटर दूर। रास्ते में आप भीमनाला फॉल्स और सिंगबा रोडोडेंड्रोन सेंचुरी भी देख सकते हैं। यांगथंग वैली से 25 किलोमीटर दूर लगभग एक घंटे यात्रा के बाद आप पहुंच जाएंगे जीरो पॉइंट, जिसका अल्टीट्यूड है 4,664 मीटर। नॉर्थ सिक्किम टूर प्लान सिर्फ यांगथंग वैली तक ही रहता है, तो आपको ड्राइवर के साथ बात करके कुछ एक्स्ट्रा पैसे पे करके जीरो पॉइंट जाना होगा। जीरो पॉइंट एक ऐसी खूबसूरत जगह है जहां आपको सिर्फ बर्फ से ढके चादर देखने को मिलेगा। यहां पे हर 12 महीने आपको बर्फ मिलेगा, जिधर भी आप देखें सिर्फ और सिर्फ आपको सफेद बर्फ ही दिखाई देगा। जीरो पॉइंट बर्फ खेलने की जगह है, बहुत सारे पर्यटक सिर्फ बर्फ खेलने के लिए यहाँ जाते हैं, लेकिन आपको सावधानी भी बरतनी होगी। ज्यादा भाग दौड़ करना नहीं है, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होता है, इसलिए आपको सांस लेने में तकलीफ हो सकता है, और आपको बहुत सारी खाने की चीजें भी साथ ले जाना होगा जिससे आपको ऑक्सीजन मिल सके। जीरो पॉइंट से आपको सीधा लाचुंग पे लाया जाएगा और लंच के बाद फिर से गैंगटोक रवाना करना होगा। शाम तक गैंगटोक पहुंच जाएंगे और अगला दिन फिर गैंगटोक से एनजीपी एयरपोर्ट आपको छोड़ दिया जाएगा। ये तो था एक रात और दो दिन का प्लान। अब बात करेंगे दो रात और तीन दिन के प्लान के बारे में, यानी कि 2 nights 3 days का। जी हाँ, अगर आप आराम से नॉर्थ सिक्किम का टूर करना चाहते हैं तो आपके लिए 2 रात और 3 दिन का प्लान बढ़िया रहेगा। इस प्लान में आप लाचेन और लाचुंग दोनों ही एक साथ कर सकते हैं। आइए इसके बारे में बात करेंगे। पहले दिन उसी प्रकार आपको एनजीपी एयरपोर्ट से गैंगटोक ले जाया जाएगा, फिर अगला दिन गैंगटोक से लाचेन और फिर दूसरा दिन लाचेन से गुरुदोंबर लेक और सारे जगह घूमने के बाद आपको लाचेन से लगभग 47 किलोमीटर लगभग 2.5-2 घंटे यात्रा करने के बाद आपको पहुंचाया जाएगा लाचुंग, और फिर उसी प्रकार एक रात लाचुंग पर ठहरने के बाद अगला दिन यांगथंग वैली और जीरो पॉइंट घूमने के बाद लाचुंग से सीधा गैंगटोक वापस होगा और एक रात गैंगटोक पे रहना पड़ेगा। उसके बाद अगला दिन फिर वापस एनजीपी या तो फिर एयरपोर्ट आपको ले जाया जाएगा। इस टूर के लिए आपको कम से कम 4 दिन लगेगा। बारिश के मौसम और ज्यादा बर्फबारी के समय नॉर्थ सिक्किम बंद रहता है। अगर आपको नॉर्थ सिक्किम का टूर करना है तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे दिए कांटेक्ट डिटेल्स पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको फायदेमंद रही है तो हमें आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम जल्द ही ऐसे ही वीडियो लेके आएंगे। सिर्फ आज के लिए गुड बाय।